आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अग्रवाल महासभा ने किया रोहन अग्रवाल को सम्मानित। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 अगस्त 2020 से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले रोहन अग्रवाल का आज मसूरी पहुंचने पर अग्रवाल महासभा द्वारा स्वागत किया गया। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर रोहन अग्रवाल ने आगे की पदयात्रा के लिए आशीर्वाद लिया। अब तक लगभग 21,000 किलोमीटर की पदयात्रा में रोहन अग्रवाल ने 28 राज्य के साथ ही नेपाल और बांग्लादेश की भी पदयात्रा कर चुके हैं। इस मौके पर रोहन अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी से शुरू हुई उनकी पदयात्रा अभी हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर के बाद थाईलैंड, रसिया के साथ ही 20 देश की यात्रा की जाएगी, जिसमें लगभग 5 वर्ष का समय और लगेगा। इस मौके पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष धन प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि रोहन अग्रवाल मात्र 22 वर्ष की उम्र में विश्व पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आज अग्रवाल महासभा द्वारा उन्हें सम्मानित कर गर्व महसूस हो रहा है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष माल पैलेस वाले संजय गोयल ने सूचित किया कि इस प्रकार के बच्चा है कि यहाँ मसूरी में पदयात्रा करता हुआ आ रहा है, तो तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे पदयात्री का स्वागत किया जाए। तो कल इनका पहुंचने का टाइम था, 7:30 बजे तक हम लोग विष्णु पैलेस में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, परंतु भट्टे वालों ने बड़े आत्मीय के साथ इनको वहीं रोक लिया रात को। ये आज सुबह आए हैं, आज सुबह चलते हुए ये यहाँ इस समय पहुँचे हैं। जैसा कल प्रोग्राम था इनका स्वागत करने का, उसी अनुरूप इनका स्वागत मान सम्मान सभा द्वारा किया गया है। मसूरी उत्तराखंड से अरुण कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।